वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा। आज हम यूनिट वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फुलरीन एंड ग्रेफाइट। तो वन बाई वन हम इसको कवर करेंगे आज के टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं विद फुलरीन। तो फुलरीन का जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरीके से है, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन और ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एच क्रोटो एंड रिचर्ड ई स्मेले इन 1985। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज बाई आर्किटेक्ट बक मिनिस्टर फुलर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बक मिनिस्टर फुलरीन। इट कंसिस्ट ऑफ होलो स्फेरिकल शॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बक्की बॉल। जैसा कि आपने एक फुटबॉल की बॉल देखी होगी तो उसकी यदि हम अंदर के मास को निकाल दें और केवल विविंग्स को छोड़ दें तो जो उसकी विविंग्स की होलो स्फेरिकल बॉल स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज कॉल्ड सोकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड बक्की बॉल। बात करते हैं आगे इसकी स्ट्रक्चर में और भी पॉइंट्स है तो क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई C60 मॉलिक्यूल। इन द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड कंटेन्स पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स। यानी कि सारे के सारे जो कार्बन होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे और वो पेंटागन्स में अरेंज होंगे और हेक्सागन्स में अरेंज होंगे। क्या होता है क्वेश्चन कि वन मॉलिक्यूल ऑफ C60 कंसिस्ट ऑफ 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। यहां पर दो नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि एक C60 मॉलिक्यूल में कितने हेक्सागन्स और कितने पेंटागन्स होते हैं। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ C60 कंसिस्ट ऑफ 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, दे आर अरेंज्ड इन ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर इन सच ए वे दैट टू पेंटागन नेवर शेयर देयर वॉल। तो ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन एलोट्रॉप कार्बन का जो है वो फुलरीन ही होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। और ये इस तरीके से अरेंज होती है कि दो पेंटागन कभी भी अपनी वॉल को शेयर नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं कि हम डायग्राम में देखिए तो सेंटर में एक पेंटागन बना हुआ है और पेंटागन के पांचों तरफ हेक्सागन्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से पेंटागन हेक्सागन से शेयर कर सकता है वॉल, हेक्सागन हेक्सागन शेयर कर सकता है, पर दो पेंटागन कभी अपनी वॉल को शेयर नहीं कर सकते। बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन, तो ये दो तरीके से प्रिपेयर की जाती है। फर्स्ट फ्रॉम ग्रेफाइट रॉड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय वेपोराइजिंग द ग्रेफाइट रॉड इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ आर्गन और हीलियम। एज ए रिजल्ट हमें एक मिक्सचर मिलेगा, एज ए रिजल्ट वी गेट ए मिक्सचर ऑफ फुलरीन्स विच कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम बेंजीन ऑक्सीजन फ्लेम, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय बेंजीन ऑक्सीजन फ्लेम इन स्पेशली डिजाइन हीलियम एटमॉस्फेयर। और इस मेथड के अंदर आपको प्योर फॉर्म ऑफ फुलरीन मिलती है। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में कुछ ही प्रॉपर्टीज को हम फोकस करेंगे। इट इज अ मस्टर्ड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसा आपने सरसों का दाना देखा होगा जो ब्राउन कलर की आती है, इट इज अ मस्टर्ड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और इट गिव्स मजेंडा कलर्ड सॉल्यूशन ऑन डिसोल्यूशन इन बेंजीन। तो ये फुलरीन की जो हेडिंग का कलर मैंने दिया हुआ है ये मजेंडा कलर है, इसीलिए मैंने इस PPT की स्लाइड में थोड़ा मजेंडा कलर यूज किया था। तो इट गिव्स मजेंडा कलर सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन बेंजीन बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन, सो इट गिव्स मजेंडा कलर सॉल्यूशन। अब जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ाएंगे फिल्म की तो इसका कलर ब्राउन से कैसा हो जाएगा, ब्लैक। तो द कलर ऑफ फुलरीन फिल्म चेंजेस फ्रॉम डार्क ब्राउन टू ब्लैक एज द थिकनेस ऑफ फिल्म इंक्रीजेस। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, क्योंकि एप्लीकेशंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड कार्बन नैनो वायर्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सुपर कंडक्टर, यानी कि वो कंडक्टर से बनते हैं जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सुपर कंडक्टर। इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग कैंसर सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। इट इज यूज्ड टू इनहिबिट HIV प्रोटीएज एंजाइम, जो एड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल वायर होता है HIV प्रोटीएज, उसको इनहिबिट करने के काम भी फुलरीन आती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फेरोमैग्नेट्स, जिनका मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होता है, ऐसी मैग्नेट्स बनाने के लिए भी फुलरीन को यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेफाइट। पहले क्या होता था, दोनों के ऊपर अलग अलग शॉर्ट नोट होते, पर अब कई बार से दोनों की कंपेयर स्टडी देते हैं, तो दोनों में हमें इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो ग्रेफाइट के ऊपर इंट्रोडक्शन है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट हैज टू डायमेंशनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर की बात यदि हम करें और डिटेल में, तो क्या होता है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड हेक्सागोनली अरेंज्ड इन लेयर। तो फुलरीन और ग्रेफाइट में अंतर क्या आया, फुलरीन में भी sp2 हाइब्रिडाइज था, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज है, पर इसमें केवल हेक्सागन से, और फुलरीन के अंदर हेक्सागन और पेंटागन थे, वो स्फेरिकल था, ये टू डायमेंशन है। तो याद रखेंगे, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड हेक्सागोनली अरेंज इन लेयर्स। तो लेयर मैंने जो था, इन द लेयर ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 3 कोप्लेनर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कि हर कार्बन एटम जो लेयर के अंदर है वो 3 एनोदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है सेम प्लेन में कोवेलेंट बॉन्ड से। पर कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। द फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाई वीक वैन डर वाल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स। तो इसी चीज की वजह से इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है। ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर। ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्स बिटवीन टू लेयर इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्स बिटवीन टू लेयर द लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, सो इट बिहेव्स लाइक सॉलिड लुब्रिकेंट। ये दो दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बात करते हैं, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कोप्लेनर कार्बन एटम इज 0.142 नैनोमीटर, वाइल द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन लेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। तो डायग्रामेटिकली इसको एक बार आपको शो कर देता हूं कि डायग्राम में देखिए, यहां पे 3 लेयर्स हमने दिखाई हैं जो हेक्सागन से। अब हेक्सागन के अंदर हर कार्बन एटम, देखिए ये कार्बन एटम कितने कार्बन से कोप्लेन बॉन्ड बना हुआ है, 3, और यहां पे जो फोर्थ वैलेंसी है वो किससे एक्नॉलेज है, दैट इज वीक वैन डर वाल फोर्स। इन वीक वैन डर वाल फोर्स की वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, और इन वीक वैन डर वाल फोर्स के लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है और यह सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन कोप्लेन कार्बन एटम इज 0.42 नैनोमीटर्स, वाइल द कार्बन कार्बन डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है। स्ट्रक्चर के बाद बात करेंगे हम इसकी टाइप्स, क्योंकि हम ग्रेफाइट की प्रिपरेशन नहीं पढ़ते, फुलरीन में प्रिपरेशन पढ़ी थी, यहां इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। जनरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेफाइट, अल्फा ग्रेफाइट एंड बीटा ग्रेफाइट। वास्तव में क्या अरेंजमेंट का अंतर है, जो लेयर्स हैं तो ए बी, यदि पहले वाली लेयर और तीसरी वाली सेम है, दूसरी वाली और चौथी वाली सेम है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम ए बी अरेंजमेंट, और ऐसे ग्रेफाइट को बोलते हैं अल्फा ग्रेफाइट। इन अल्फा ग्रेफाइट द लेयर्स आर अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ ए बी अरेंजमेंट। बीटा ग्रेफाइट में क्या होता है, इन बीटा ग्रेफाइट द लेयर्स आर अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ ABC, यानी कि पहली वाली से दूसरी डिफरेंट, दूसरी से तीसरी डिफरेंट, चौथी वाली फिर से ए आएगी, फिर बी, फिर सी, तो ABC अरेंजमेंट इज कॉल्ड बीटा ग्रेफाइट। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज। जैसा कि आपने देखा होगा, पेंसिल के अंदर जो सुरमा होता है दैट इज ग्रेफाइट होती है, वही लेड, तो वो कैसा होता है कलर में, दैट इज डार्क ग्रे और ब्लैकिश इन कलर, और सोपी टच का होता है, तो इट इज अ वेरी सोपी टू टच, नॉन इनफ्लेमेबल, इट इज सॉफ्ट इन नेचर एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट में कर दिया है, आप इनको पॉइंट्स में कर सकते हो, इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज ब्राउन, सॉरी इट इज ए ब्लैक इन कलर और डार्क ग्रे इन कलर, इट इज नॉन इनफ्लेमेबल इन नेचर, इट इज सॉफ्ट इन नेचर एंड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट बिहेव्स लाइक सॉलिड लुब्रिकेंट। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन या यूजेस की। तो ग्रेफाइट आपको मालूम है कहाँ कहाँ यूज होता है, इट इज यूज एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट, इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। देखा होगा आपने सेल के अंदर एक ब्लैक कलर की रॉड निकलती थी, वो ग्रेफाइट की होती थी, क्योंकि कंडक्टर होता है, तो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इट इज यूज फॉर मेकिंग मेटलर्जिकल क्रूसिबल्स, इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लेड, क्योंकि ये पेपर के ऊपर मार्क करता है, इसलिए इसको हम पेंसिल में लेड की तरह यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग मॉडरेटर रोड्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरीके से आज हमने कवर किए फुलरीन एंड ग्रेफाइट और इनकी स्टडी। तो आगे बात करते हैं, तो एक मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, ये इलेक्ट्रोड की फॉर्म में ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट की रॉड आपको मालूम है सेल के अंदर यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड, तो मेरे पास अवेलेबल थी तो उसको मैंने आपको दिखा दिया। तो आगे बात करते हैं, इफ यू लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब इट। तो मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा, और ये मैं प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे थैंक यू।